हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो इसे संसार को बदलता है कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो इसे संसार को बदलता है, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशंस के आधार पर। तो आज के हमारे सेशन में हम इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, और इस दीर्घवृत्त में जो अक्षेस है, दीर्घ मेजर अक्षेस एंड माइनर अक्षेस, इनके परिते हम जड़त्व आगुण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जड़त्व आगुण ज्ञात करने से पहले हमें उस पृष्ठ का इकाई द्रव्यमान पता होना एक प्रकार से आवश्यक है। जैसे हमने चक्ती का निकाला तो इसका एकांक द्रव्यमान हमने निकाला कि m अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। इसी तरह वृत्त का निकाला हमने, एक रिंग का निकाला तो उसमें क्या था, m अपॉन 2πr। इसी प्रकार हमने एक तार का निकाला था जो 2a लेंथ का था, उसका एकांक द्रव्यमान हमने निकाला m अपॉन में 2a। तो इसी आधार पर जो हमने m के नीचे जो डिवाइड में हमने जो रखा है वो एक प्रकार से उसका क्षेत्रफल रखा है। क्षेत्रफल जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, यानी कि जो टोटल था, ये टोटल दूरी थी, हमने क्या था कि m अपॉन में इसका इकाई द्रव्यमान क्या था, 2πr। अर्थात जो ये टोटल क्षेत्रफल न होकर ये टोटल जो डिस्टेंस होती थी इसके बारे में हम ज्ञात करते थे। इसी तरह चकती बना लूँ मैं, इसको चकती बना लेता हूँ तो इस टोटल के बारे में ज्ञात होता है, टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो m अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसी के आधार पर हम अब क्या करेंगे कि एक दीर्घवृत्त लेंगे, तो हमें दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दीर्घवृत्त का। डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट यदि आप करना चाहो तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, कितना होता है, पाई ए बी। लेकिन इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। जैसे दीर्घवृत्त का हमें पता है इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, एक दीर्घवृत्त हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घवृत्त, जहाँ मैं यदि लिमिट अप्लाई करता हूँ यहाँ ज़ीरो से ए और ये हो गई ज़ीरो से बी। तो हम यदि मैं इस एक का निकाल लेता हूँ और इस एक को यदि मैं चार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल एंटायरली इलिप्स का हमें एरिया मालूम होगा। तो मैं ए का ज्ञात करता हूँ तो ए के लिए ज़ीरो टू ए, ज़ीरो टू ए, और यहाँ से इक्वेशन से मैं अक्ष की वैल्यू निकालता हूँ, सॉरी वाई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। वाई एक्स की क्यों, यदि मैं यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो हमें जो फंक्शन प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा, अक्ष का प्राप्त होगा, और हम उसका अक्ष के सापेक्ष इंटीग्रेशन करके हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो मेरे पास ये फंक्शन आया। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ, इस फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास b अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में a, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ये एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ रखा है। इसकी लिमिट है 0 टू a। जब मैं लिमिट यहाँ अप्लाई करता हूँ तो a में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में ये 0, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 ए स्क्वायर अपॉन में 2, और 0 में टोटल फंक्शन 0 हो जाए तो हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो ये वाला प्राप्त होगा। अर्थात इस एक का जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ वो पाई ए बी अपॉन 4 प्राप्त हुआ। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल इसका एरिया फाइंड हो जाता है जो कितना होता है, पाई ए बी। अब यदि हम सोल्व करेंगे तो डेरिवेशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा टोटल क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द एम आई ऑफ ए यूनिफॉर्म एलिवेटिक डिस्क ऑफ सेमी एक्सेस एंड बी अबाउट मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस एंड थर्ड जो केसेस है वो क्या है, लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। अर्थात जो लाइन है हमारी वो थ्रो हो रही है इन सेंटर के अंदर से। तो अब हम देखते हैं कि मेजर एक्सेस के अनुसार ये हमारी मेजर एक्सेस हो गई, इसकी लेंथ हम मानते हैं 2a, ये माइनर एक्सेस ये 2b हो गई। अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल क्या होगा, m अपॉन पाई ए बी, जो अभी अभी मैंने पाई ए बी अब डेरिवेटिव करके बताया अभी,
और जो अल्फांस है पी क्यू आर एस, इसका सहती, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान मल्टीप्लाई जो हमारा अल्पांश है उसका क्षेत्रफल। अब ये क्या हो गया अल्पांश का क्षेत्रफल। अब अल्पांश का हम हमारे इस दीर्घ अक्ष के परितम अल्पांश का ज्ञात करेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वाई। तो एम आई यानी कि अल्पांश का ये तो क्या हो जाएगा एकांक द्रव्यमान, कैसे कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो एम एम कितना हो गया ये वाला टोटल, और अक्ष आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि एकांक अक्ष से लंब दूरी तो वाई स्क्वायर। अब मैं यदि टोटल का निकालता हूँ, टोटल फंक्शंस का निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है कि लिमिट, लिमिट अप्लाई करता हूँ माइनस बी से बी, क्योंकि हमें यहाँ अक्ष और वाई दोनों के सापेक्ष करना है। तो वाई की लिमिट कितनी हो जाएगी माइनस बी टू बी, कैसे, जब यह हमारा अक्ष है इसको बीच में से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ लिमिट हो जाएगी माइनस बी से बी, कैसे, जब इसी प्रकार हमने लिया था कि एक जो शुरू वाला जो हमारा डेरिवेशन होता है इसमें पैमाने के अकॉर्डिंग लिया था, जहां हम इसके लंबवत गुजरने रेखा के परिते हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया था, तो इसकी लिमिट लिया था हमने माइनस ए से प्लस ए, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी थी 2a। तो इस आधार पर हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो b की हमने लिमिट कितनी रखी माइनस बी से, सॉरी वाई की माइनस बी से बी तक, और अक्स की लिमिट कहाँ से निकालेंगे हम, फॉर्मूले से निकालेंगे जो मुझे ये प्राप्त हो जाएगी। अब 2m अपॉन में पाई ए बी लिमिट माइनस बी से बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और यहाँ अक्ष अक्ष का यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, अक्ष अक्ष का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास 0 से अक्ष अक्ष का dx का ये हो जाएगा अक्ष। अब लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब इस फंक्शन के प्राप्त होने के बाद हमें डायरेक्ट इस वाले ऑप्शंस का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ किया है, तो इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन होगा, ये y बराबर b sin थीटा मानेंगे और यहाँ से dy ज्ञात करेंगे, जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। और इस फॉर्मूले के लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कि इस फॉर्मूले के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये होता है 0 से पाई बाई 2, और यह हो जाएगा साइन की पावर एन थीटा और कोस की पावर एन थीटा डी थीटा बराबर किसके इक्वल होता है, गामा एन प्लस 1 अपॉन में 2 गामा एम प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ही मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी नीचे वाला हर वाला एन प्लस 2 अपॉन में 2, ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ तो गामा एन प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 3 बाई 2, और गामा ये भी 3 बाई 2, और 2 गामा क्या होता है नीचे 2 एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन में 2, तो एम कितना हो गया 2 और ये एन हो गया, तो 4 2 कितने होते हैं 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, गामा 3 बाई 2 की ये कितने आ जाएगा, ये बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2, ये कैसे आया, यदि गामा हमारे पास 3 बाई 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई 2 और रूट पाई, कैसे कि गामा 3 बाई 2 है, इसमें से यदि मैं एक घटाता हूँ तो मेरे पास 1 बाई 2 बाहर आ जाता है, और यहाँ बचता है मेरे पास गामा 1 बाई 2, और गामा 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई। अब मैं दोनों के स्थान पर यदि रखता हूँ तो मेरे पास ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा, सॉल्यूशन करूँगा तो मेरे पास टोटल इसका इंटीग्रेशन होगा पाई बी क्यूब अपॉन में 16। अब ये वाला फॉर्मूला यदि मैं हमारे वहाँ पर ले यहाँ रखता हूँ, कहाँ यहाँ रखता हूँ कि इंटीग्रेशन में यदि मैं रखता हूँ पाई बी क्यूब अपॉन में 16, तो 4 से 4 कैंसिल, हमें जो इसका जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्राप्त होगा वो कितना होगा एम बी स्क्वायर अपॉन में 4। तो इस प्रकार हम जड़ जो दीर्घवृत्त है हमारा इसका मेजर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाला। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके लघु अक्ष के परिते जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे और उसको लंबवत पृष्ठ से यानी कि उन दोनों केसेस जो शेष रिमेनिंग जो केसेस है बोथ आर 2, तो उनका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, टिल देन टेक केयर।